हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जी स्पेशल। गाइस, मैंने मीशो से अभी कुछ साड़ी ली हैं। ज़्यादा साड़ी तो मैंने नहीं ली है क्योंकि ज़्यादा पहनने का मौका ही नहीं मिलता है, तो मैंने कुछ ऐसी साड़ियाँ सिलेक्ट की हैं जो मैं अपने विंटर टॉप्स के साथ वेयर कर सकती हूँ। एंड मैं लाइट वेट साड़ीज़ पहनती हूँ क्योंकि मैं अपनी बॉडी के हिसाब से साड़ी पहनती हूँ, क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा नहीं है, दुबली पतली सी हूँ मैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग साड़ी अपने लिए सिलेक्ट करती हूँ जो मेरे ऊपर स्टाइलिश लगे। गाइज, मैं ये साड़ी से रिलेटेड जो मुझे बताना भूल जाएगा तो मैं स्क्रीन में मैंशन करती जाऊँगी, प्राइस, ब्रांड एंड साड़ीज़ के कोड भी मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको मेरा पसंद तो लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो चलते हैं इस मीशो हॉल की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द शुरू करते हैं इसके ब्लाउज से। तो लुक एट दिस, ये है इसका ब्लाउज, बहुत ही अच्छा इसका ब्लाउज पीस है गाइस। मतलब जो इसका फैब्रिक है ना, ये ब्लैक फैब्रिक में है एंड जो इसमें वर्क है सिक्वेंस वर्क है। आप लुक एट दिस, मैं आपको पास से भी दिखाती जा रही हूँ, ये मेरे कुछ हेयर भी लगे हुए हैं इस पर, तो आप देख सकते हो इसका फैब्रिक ना बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो इसकी लेंथ होगी 80-90 सेंटीमीटर होगी और जो मेरे जैसे दुबले पतले उन्हें तो अच्छी तरीके से आ जाएगा, और मुझे तो लगता है मेरे फुल स्लीव में भी आ जाएगा एंड जो एक्सेल साइज में है उनको भी ये फिट आ जाएगा। इस टाइप के ब्लाउज को आप ना मतलब किसी भी साड़ी के साथ वेयर कर सकते हैं, उस साड़ी में ना चार चांद लग जाएंगे, और ब्लैक कलर तो ऐसा है कि वो किसी भी साड़ी के साथ आपका मैच कर जाएगा। जब आप इसे स्टिच कराएंगे ना बहुत सुंदर लगेगा, मैं तो अभी से इमेजिन कर रही हूँ कि कैसा लगेगा ये। तो चलते हैं अब साड़ी की तरफ। गाइज, इस साड़ी को ना मतलब अब मैं क्या बताऊँ, आप खुद देख लेना। सो दिस इज़ वेरी नाइस साड़ी गाइज। मेरे पास ना इस कलर में कोई भी साड़ी नहीं थी, गोल्डन येलो कलर में, और मुझे लेना भी था, और भी आपको मीशो में कलर इसमें अवेलेबल हो जाएंगे, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग परचेस कर सकते हैं, लेकिन मुझे यही बहुत ज़्यादा अच्छा कलर लगा एंड मेरे पास थी भी नहीं तो मैंने इसे परचेस कर लिया। येलो गोल्ड कलर में है एंड इसका जो फैब्रिक है सैटिन फैब्रिक में है। इसे आप डे में एंड नाइट में पार्टी में वेयर कर सकते हैं एंड जो ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, आप इसे इजीली संभाल सकते हैं, है ना, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी है उनको हमें थोड़ा संभालने में दिक्कत होती है, एंड जो उसका फैशन होता है ना, जो उसका ट्रेंड होता है, वो एक टाइम तक होता है एंड इस टाइप की साड़ी टाइमलेस होती है। आप इन्हें कभी भी वेयर कर सकते हो, किसी भी स्टाइल में वेयर कर सकते हो, किसी भी तरह के ब्लाउज में वेयर कर सकते हो। तो आप इस साड़ी को ना इस ब्लाउज के साथ भी वेयर कर सकते हो, टॉप के साथ भी वेयर कर सकते हो, आप अपने क्रॉप टॉप के साथ भी वेयर कर सकते हो। मैं इसे अपने क्रॉप टॉप, ब्लाउज एंड जो मेरे पास विंटर में क्रॉप टॉप है, मैं उसके साथ वेयर करके आपको स्क्रीन में दिखाऊंगी, तो आप देखते जाना, राइट। जो इस साड़ी की लेंथ है ना गाइस, ये 5.5 सेंटीमीटर है। लुक इट, आपको दिख रहा होगा कि ये साड़ी का फैब्रिक कितना अच्छा है एंड कितनी अच्छी फिनिशिंग है एंड इसकी काफ़ी एंड इसकी लेंथ भी ना काफ़ी अच्छी है। वाह, बहुत अच्छा कपड़ा है। मैं मतलब तो यार मुझे लग रहा है मैं अभी पहन के आपको दिखा दूँ एंड जो भी मैं साड़ी आपके साथ शो करूँगी मैं इनका ट्राई ऑन करूँगी ताकि आपको पहनने पे कैसा लगता है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए। ऐसे दिखाने में तो समझ में नहीं आएगा, पर सो गाइज, क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छी साड़ी है एंड अफोर्डेबल है, आप इसे इजीली कैरी कर सकते हैं एंड आपको कोई इसमें रिग्रेट नहीं होगा कि यार ये साड़ी मैंने क्यों ले ली है। सेकेंड मेरी साड़ी है, बहुत ही ब्यूटीफुल बेबी पिंक कलर में साड़ी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। पहले लेने से तो बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए यार, लेकिन नहीं यार, पहनने के बाद अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। लुक इट, साड़ी का फैब्रिक भी सैटन फैब्रिक है, तो इसमें पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे सैटन फैब्रिक है पसंद आते हैं क्या, मैं कोई भी इस समय ड्रेस ले रही थी सैटन में ले रही हूँ, शादी हो गई ना तो चमक दमक वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद आ रही है।
इसका ब्लाउज है और इसका भी जो फैब्रिक है बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है। एंड जो ये साड़ी है जस्ट उसकी अपोजिट है, वो प्लेन साड़ी थी। एंड ये जो साड़ी है ये फैब्रिक सॉरी प्रिंटेड में है, फ्लावर प्रिंटेड में है। तो लुक एट दिस गाइस, और इसका जो फैब्रिक है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और गाइस ये साड़ी भी ना आप किसी भी टाइम पे वेयर करोगे ना तो इसका ट्रेंड रहेगा। इस टाइप की साड़ियों का ना हमेशा ट्रेंड रहता है, तो मैंने कुछ ऐसी साड़ियाँ इसमें सेलेक्ट की हैं कि जिनका ट्रेंड हमेशा रहेगा और थोड़ा स्टाइलिश लुक भी आएगा। इस साड़ी का भी प्राइस अफोर्डेबल है, मैं स्क्रीन में मेंशन करती जाऊंगी तो आप चेकअप कर लीजिएगा। थर्ड साड़ी मेरी बहुत केजुअल है, जो आप डेली वेयर कर सकते हैं, काफ़ी लाइट वेट है, फ्लावर प्रिंट में है। सो गाइज इस टाइप की साड़ी लेने का ना मेरा एक ही इंटेंशन था। मेरे पास एक ग्रीन पैरेट कलर में टॉप है जिसे मैं मतलब ले तो लिया था, मैंने मीशो से ही इसे परचेस किया था, लेकिन उसको उसका मैंने ट्राई ऑन नहीं किया था। जब मैंने उसे ट्राई किया तो वो मुझे पहनने में कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, उसका जो फ्रंट नेक था काफ़ी डीप था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा यार इसका क्या किया जाए, इसे कैसे स्टाइल किया जाए कि अच्छा लगे। मैंने काफ़ी ट्यूब्स वगैरह पहन के भी पहना तो, लेकिन फिर भी मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था क्योंकि यहाँ पे नॉट्स बांधना और ये सब अजीब सा लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा यार इसके साथ एक साड़ी, मुझे स्क्रॉल करते करते मीशो पे ये साड़ी दिख गई, लुक एट दिस। तो मैंने कहा यार ये ब्लैक एंड ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन मेरे स्टॉक में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड स्टाइलिश लुक भी लगेगा, तो क्यों ना मैं इसे ट्राई करती हूँ। तो मैंने ये साड़ी ले ली, इस साड़ी को वेयर किया, रियली गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सब बोल रहे थे कि रेडी टू वेयर साड़ी ली है क्या, रेडी टू वेयर साड़ी ली। मैंने कहा नहीं यार ये तो मेरे मतलब जस्ट ट्राई ऑन और ये रेडी टू वेयर बन गई है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो बात करते हैं इस साड़ी की फैब्रिक की, तो ये साड़ी जो है जॉर्जेट फैब्रिक में है, बहुत सॉफ्ट जॉर्जेट फैब्रिक में है। एंड इसमें पूरे में आपको फ्लावर प्रिंट मिल जाएंगे, सनफ्लावर प्रिंट मिल जाएंगे एंड ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन के साथ। गाइज और इसकी बात करते हैं ब्लाउज की, तो जो इसमें ब्लाउज है प्लेन ग्रीन कलर का ब्लाउज है, तो इस ब्लाउज को मैं स्टिच नहीं करवाऊंगी क्योंकि ये मेरे क्रॉप टॉप के साथ ही बढ़िया मैच कर जाएगा। मीशो साड़ी हॉल, तो अगर आपको इनमें से कोई भी साड़ी अच्छी लगे तो इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अफोर्डेबल है गाइस, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।